कहने को तो शहर की अधिकतर सड़क ही टूटी पड़ी है। आए दिन हम इस पर खबर बनाकर भी दिखाते हैं। अधिकारियों से जब इसी बारे में बातचीत की जाती है तो वो टालने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जब जनता से वाहन खरीदते समय रोड टैक्स लिया जाता है तो ये सवाल जनता का उठना वाजिब है। आखिर टूटी सड़क बनेगी तो बनेगी कब? रोहतक की झज्जर रोड पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में वाहनों की आवाजाही रहती है। रेलवे रोड से नजदीक होने की वजह से बाहरी निवासी का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। बड़ा सबब है यहाँ मौजूद बड़े बड़े गड्ढे। सड़क पर टूटे सीवर में गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लोग गिरते हैं। आसपास के दुकानदारों से जब टूटी सड़क की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये बहुत व्यस्त सड़क है। सीवर की लाइन बिछाने के लिए 1-2 महीने पहले गड्ढे खोदे गए जो आज तक नहीं भरे गए। दुकानदारों ने अपने स्तर पर मिट्टी भरकर आने जाने की व्यवस्था की है। 1954 की दुकान है ये। अच्छा, ये गड्ढा खोद रखा है जो? कितना हो गया गड्ढे को? लगभग 4 महीने। लगभग 4 महीने। और कितनी परेशानी है इससे? कितनी परेशानी है, कोई भी व्हीकल जाता है तो यहाँ पर तकरीबन उलटने की कोशिश होती है लेकिन बच जाते हैं। 2-4 आदमी गिरे भी हैं यहाँ पर, उनको चोट भी लगी है। और ये गड्ढा इतना बरसातों में तो इतना भर जाता है, पता भी नहीं चलता इसका। हमने अपने प्रयास से इसको 2-4 बार मिट्टी भरवाने की, मलबा भरवाने की कोशिश की है, उससे थोड़ा बहुत भर जाता है लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर दब जाता है, क्योंकि इस पर ट्रैफिक बहुत हैवी होता है, बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक। अच्छा, पीक पीरियड होता है जो 12 से 3 तक का टाइम, इसमें काफ़ी ज़्यादा रश होता है इस दौरान, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बनी हुई है? हाँ, जाम बनी हुई है, समस्या जाम की समस्या रहती है मैडम। कितनी प्रॉब्लम होती है उसमें दुकानदारी में? उसकी वजह से तो ना, हम पटली तरफ जाना हो तो वो भी इन क्रॉस कर सकते, एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस नहीं कर सकते, हमें बच बच के निकलना पड़ता है। मेन गड्ढे की प्रॉब्लम है और बहुत प्रॉब्लम है, दुकानदारी भी बहुत कम होती है, ना कोई आदमी सामान लेने आ सकता है, अगर आता है तो कहता है दुकानदारी पार्किंग है ही नहीं आपके पास। हम 60 के बच्चे हैं यहाँ। अच्छा, ये खड्डा खोदा था राउंड 1-1.5 महीना पहले, कितनी परेशानी है इस गड्ढे में? गड्ढे से परेशानी, ट्रैफिक जाम लगा रहता है, आदमी कोई आता नहीं है, गाके नहीं आती। कितना जाम रहता है? जाम तो रहेगा, जब ट्रैफिक ही नहीं मिलेगी आपके, जगह सारी पार रखी थी, जगह तो है ही नहीं। वजह नहीं पता चली किस वजह से? ये नाला सीवर बंद है इनका, आगे पाइप पानी जाता नहीं था, ये खोद के इनका पानी इसमें डलवाया बूस्टर में, भरा नहीं फिर गड्ढा। गड्ढा ऐसे अब छोड़ दिया, कल परसों ये मट्टी डाल के बस, और भरा नहीं। तो तोड़ा कब था, कैसे तोड़ा था, कुछ पता? दिन के टाइम पे तोड़ा था? रात को तोड़ा था GPSC से, और फिर अगले दिन पूरा गड्ढा, पूरा खड्डा कर दिया, पानी इधर चलवा दिया, आगे तो पानी जा नहीं रहा था, इनका बंद था पानी। एक्सीडेंट भी होते हैं रोजाना? तो जगह जाम लगेगा तो एक्सीडेंट तो बनेंगे, गाड़ी बिठ जाती है कहीं ना कहीं। झज्जर रोड के प्रधान रितेश ने बताया कि हजारों की संख्या में प्राइवेट गाड़ियां यहां से जाती हैं, लेकिन सड़क का कुछ हिस्सा इतना खराब हो चुका है कि यहाँ से गुजरने में लोगों को अब डर लगने लगा है। पीक आवर्स में तो यहाँ ट्रैफिक कई कई किलोमीटर तक रेंगता रहता है। प्रशासन के सामने भी कई बार ये समस्या उठाई जा चुकी है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। तकरीबन मैडम इसको 2 महीने हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए हुए, 2 महीने से कम नहीं है टाइम। और इसके बारे में हम काफ़ी टाइम से जो जो इनसे संबंधित अधिकारी हैं, या पब्लिक हेल्थ है, या कमेटी है, या हम वार्ड के MC हैं, उन सबको हम अवगत करा चुके हैं बार बार, उनको बार बार टेलीफोनिकली भी और वैसे लिखित रूप में भी, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। झज्जर रोड सबसे पुराना रोड है, व्यापारिक की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे, मतलब टैक्स सबसे ज़्यादा झज्जर रोड से जाता है। आज तक इसके बारे में किसी अधिकारी के पास जवाब, मैं पब्लिक हेल्थ पर फोन करता हूँ तो कहते हैं कमेटी का काम है, कमेटी वाले को फोन करता हूँ कि 2 महीने से रोड आपने तोड़ दी, पहले तो तोड़ी किस लिए थी? उनका कहना कि पब्लिक हेल्थ की कोई लाइन डलनी थी पानी की, उसके लिए तोड़ी गई है। चलो जी ठीक है, वो पब्लिक हेल्थ की लाइन भी डल चुकी है, उसके बाद ना कोई रिपेयर करने आया, ना गड्ढों को कोई भरने आया। अभी तक धूल मट्टी तो अलग, उसके कारण सारा जितना ट्रैफिक है वो कंजस्टेड हो गया है, अब कस्टमर दुकान पर नहीं आ पाता, इससे हमारी दुकानों के कस्टमर भी प्रभावित हो रहे हैं, दुकान का सारा व्यापार चौपट हो रहा है, और सुनवाई के बारे में बिल्कुल जीरो, मतलब हम कह कह के थक चुके हैं, जिसको भी कहते हैं वो आगे जाके ट्रक आता जाता है। मैंने यहाँ पे SDO है पब्लिक हेल्थ के, राजेश जी हैं, उनको भी कहा, बोले मैं करता हूँ, ठेकेदार से बात करता हूँ, बताता हूँ कैसे होगा, मतलब आज तक कोई रिपेयर शिपेयर नहीं। खोदना तो बहुत जल्दी आते हैं, उसको भरने कोई नहीं आता है, मतलब इतना काम हो चुका है, और सारी की सारी रोड टूटी हुई है, जिस कारण धूल मट्टी तो खा ही रहे हैं लोग, उसके बावजूद कस्टमर का आना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि कस्टमर किस चीज़ से आए,
रोड इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक दुकान के आगे इतनी भीड़ लग जाती है, मतलब ये कोई समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन नाम की कोई चीज भी है कि नहीं है। गौरतलब है कि पार्षदों के 5 साल के कार्यकाल को पूरा होने में मात्र 11 महीने बचे हैं। निगम की हाउस की बैठक में हर बार प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, धरातल पर उसकी सच्चाई ये गड्ढे आपको बता रहे हैं। 17 फरवरी को निगम की बैठक में पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन मौजूद रहे। आखिरकार पार्षदों, मेयर और निगम आयुक्त के बार बार बुलाने पर अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। निगम क्षेत्र की लगभग 70 किलोमीटर की सड़कें हैं, इनमें गड्ढे भरने, सफ़ेद पट्टी लगाने की बात भी हुई है। कागजों पर ढेरों आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर सब धरे के धरे रह जाते हैं।